आपने अगर पिछला वीडियो देखा है IND 16 का, तो उसमें हमने कुछ चीज़ों पे बात की, जैसे कि पहली बात जो हमने की एप्लीकेबिलिटी, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। फिर हमने बात की मीनिंग की, मीनिंग ऑफ PPE की बात की, ऑफकोर्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका इंडियस का नाम क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर हमने बात की क्लासिफिकेशन की, कि कैसे क्लासिफिकेशन होगा अगर टेंजिबल और इनटेंजिबल एक साथ रहते हैं तो। फिर हमने लास्ट में एक बात की थी रिकॉग्निशन प्रिंसिपल की। थोड़ी सी खांसी आ रही है मुझे, बट हल्की फुल्की खांसी आएगी तो पहले से मैं एक साथ ही एक्सक्यूज मी बोल देता हूँ, आप मुझे एक्सक्यूज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स, और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। मैं जैसे ही थोड़ा सा तेज बोलूँगा खांसी आ सकती है, तो इसीलिए साउंड का मॉड्यूलेशन जो है वो थोड़ा सा मीडियम रहेगा, ठीक है। आज हम लोग क्या बात करेंगे, प्रीवियस वीडियो आपने देखा है उसमें हमने वो चीज़ से की, अब हम लोग बात करेंगे। अभी एक मिनट, फोन को साइलेंट कर दें, वाइब्रेशन में है। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग। देखिए, कोई भी जो PPE है, कोई भी टेंजिबल एसेट है, तो उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। ये एक टेंजिबल एसेट है तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सपोज करिए एक मशीनरी है, तो मशीनरी में मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3, इसका डेप्रिसिएशन का 5 साल का यूजफुल लाइफ है, इसका 6 साल का, और इसका सपोज करिए मशीनरी 3 का 7 ईयर अडॉप्शन लाइफ है। तो अगर हम लोग सारे का एवरेज डेप्रिसिएशन निकाल दें, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो निकलेगा जो अडॉप्शन वो प्रॉपर नहीं रहेगा, वो ट्रू एंड फेयर व्यू को प्रेजेंट नहीं करेगा। तो इसलिए कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग की कल्पना की गई है हमारे इंडिया 16 में। इसमें बात किया गया है कि हम कंपोनेंट, मतलब ईच कंपोनेंट शुड बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली, शुड बी कॉस्ट एनालिसिस विल बी डन सेपरेटली, मतलब हर एसेट का अलग से कॉस्ट एनालिसिस होगा, हर एसेट का अलग से डेप्शन होगा। सो कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग क्या है और उसका क्या पर्पस है, यही हम लोग बात करेंगे। तो कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग का एक मकसद है, पर्पस क्या है, कि हमें डेप्शन जो है वो प्रॉपर मिल जाए, और रिप्लेसमेंट जब हो कोई प्रोडक्ट की तो उसकी कॉस्ट की वैल्यू प्रॉपर मिल जाए। अगर सेपरेट सपोज करी पूरी एक फैक्ट्री है, उसमें एक ही टाइप की बहुत सारे मशीनरीज है, लेकिन डेट ऑफ यूज़ उसका अलग अलग हो सकता है, तो उससे उसकी यूजफुल लाइफ डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। सो जब डिफरेंट डिफरेंट यूजफुल लाइफ होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्विजिशन की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट डेट से जब वो पुट टू यूज़ में आया, तो उसका लाइफ अलग अलग होगा, तो डेप्रिसिएशन उसकी अलग चार्ज होगी, और उसका जब रिप्लेसमेंट हम लोग करने जाएंगे तो उसका कॉस्ट का एनालिसिस भी डिफरेंटली किया जाना चाहिए। तो ये दो बेसिक पर्पस है बेसिकली, जो इसके वजह से हम कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, जिससे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो क्या आप, और एक चीज, जैसे कि आप कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट है, टोटल कॉस्ट जो है पूरे ग्रुप की, या फिर टोटल कॉस्ट जो PPE की है, उसके साथ उसका कंपैरिजन भी करना पड़ेगा कि भाई साहब इसके कंपैरिजन में वो खड़ा हो पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कि इस PPE का टोटल में इसका कॉस्ट अलग है और इसका कॉस्ट अलग है, तो बोथ शुड बी सेम, मतलब एक मशीनरी और टोटल ग्रुप ऑफ PPE में वो सारा सेम होना चाहिए। अगर देखिए, अब ये कैसे होगा, क्वेरी तो यही है, कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग कैसे करेंगे, हाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ वी विल डू दिस। स्माइल बना दे इनको, ओके। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे होगा ये, तो देखिए हमें करना क्या होगा, सॉरी पहले से मैंने बोल दिया एक्सक्यूज मी फॉर द दिस खांसी,
हम जो सिमिलर दो, देखो दो बेसिकली दो बेसिस पर डेप्शन चार्ज होता है. फर्स्ट वन इज वी ऑल नो SLM एंड WDB. WDB में एक रेट परसेंटेज दिया रहता है, परसेंटेज रेट दिया रहता है कि इस रेट से आपको डेप्शन लगानी है. तो हमें करना क्या है, अब रेट भी है, यूजफुल लाइफ है, तो जो सिमिलर रेट के होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर यूजफुल लाइफ के, तो उनको अलग करेंगे और कंबाइन कर देंगे जो सिमिलर रहेंगे, सिमिलर यूजफुल लाइफ. कहने का मतलब जिसका यूजफुल लाइफ सपोज करिए 10 साल है तो उसको एक साथ सारे को जोड़ दिए, किसी का 5 ईयर है उसको साथ जो 6 में सपोज करिए एक ही, तो एक अलग रहेगा. और वैसे ही यहाँ पे 10% का रेट है, किसी का 7% रेट है, किसी का 60% रेट है, हो सकता है 60% 20% रेट है. तो इस केस में क्या होगा, अब सबको एक एक तरह ग्रुप कर देंगे तो वो भी कंबाइन कर दिया जाएगा. समझ में आ रहा है? तो एसेट एज अ होल में जिसकी यूजफुल लाइफ और रेट ऑफ डेप्शन अगर सेम है, सिमिलर है, तो उसको आप कंबाइन कर सकते हैं. ठीक है, इसमें होता क्या है, बेसिकली मैंने बताया ना कि हर लोग का अलग अलग कॉस्ट के हिसाब से, मतलब हर एक एसेट का अलग अलग डेप्शन होता है, लेकिन अगर आप सिमिलर यूजफुल लाइफ रखते हो या सिमिलर रेट रखते हो तो उसको कंबाइन किया जा सकता है. तो डेप्शन का पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा आई गेस. डेप्शन के बाद हमने एक बात और की थी कि रिप्लेसमेंट के वक्त क्या होगा. सपोज करिए आपके फैक्ट्री में एक ये एसेट है, आपको इसको करना क्या है, इसको आपको रिप्लेस करना है बिकॉज इसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई है, तो आपके पास इसका क्या कॉस्ट है. तो जब भी आप रिप्लेसमेंट करोगे, नया एसेट लाएगा, न्यू एसेट जब आएगा, तो इस एसेट को आप क्या करोगे, इस एसेट को आपको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. आई रिपीट, इसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मतलब इसको पूरी तरीके से आपको बुक में हटाना पड़ेगा और जो न्यू एसेट है इसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहने का मतलब सिर्फ ऐसा है कि आप जब भी पुराने एसेट को रिप्लेस करेंगे तो उसको पूरी तरीके से डी रिकॉग्नाइज करो और नए एसेट को कैपिटलाइज करो. ठीक है, तो दो बेसिक, अगर कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग का मेन पर्पस देखा जाए तो प्रॉपरली डेप्शन चार्ज करना और रिप्लेसमेंट में कॉस्ट को एनालाइज करना. अगर देखो कॉस्ट एनालाइज हो जाएगा ना तो आप डेप्शन आराम से चार्ज कर लोगे इसको डी रिकॉग्नाइज करते वक्त. अगर नहीं है तो बुक वैल्यू या फिर करेंट कॉस्ट से ही आप उसको कर लीजिए. समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी आपको क्या लग रहा है, डी रिकॉग्निशन में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. देखिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ रिप्लेसमेंट के लिए आपको. सपोज करिए एक एसेट 10 लाख का आपने खरीद के लाया है, उसमें 2 लाख की डेप्शन लग गई, सपोज करिए 8 लाख की उसकी आज बुक वैल्यू है, लेकिन जो नया एसेट आया आपके पास जो डी रिकॉग्नाइज करोगे, जैसे ये इसकी बुक वैल्यू 8 लाख है, आप जब इसको सोल्ड किए, सपोज करिए इसको 4 लाख में आपने सेल कर दिया, तो आपको क्या हो गया, 4 लाख का लॉस हो गया. तो इसको आप बुक करोगे डी रिकॉग्निशन लॉस को. आपको कॉस्ट पता चल गई कि एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग. अब जो कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग से आपकी बुक वैल्यू आई, फिर जो आप उससे रियलाइज करोगे उसको सेल करके, डी रिकॉग्नाइज तो करना ही है आपको, तो जब उसको सेल करोगे तो जो लॉस आएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन. इज इट क्लियर? सो डी रिकॉग्निशन में आपको लॉस हो सकता है, ठीक है, प्रॉफिट भी हो सकता है, इट मे डिपेंड. हो सकता है आपकी जो आपने डेप्शन लगाया है, सपोज करिए इसकी बुक वैल्यू 3 है, आपने बेच दिया 4 में, तो 1 गेन ऑन डी रिकॉग्निशन. इट कैन बी एनीथिंग, इजंट इट? तो ये मेरा कहने का मतलब है.
तो हम लोग बात कर रहे थे डी रिकॉग्निशन की। डी रिकॉग्निशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सपोज करिए कोई एसेट है, फिक्स एसेट है, ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है हमने एक्वायर की है, फॉर एग्जांपल एग्जांपल से समझते हैं, वो 10 लाख है और हम ये अज्यूम करते हैं कि 10 ईयर्स में ये मान लीजिए दिया है, 10 ईयर्स में SLM बेसिस पर डिप्रिशिएट हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, इस मशीन को हम लोग रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसमेंट, इस मशीन को रिप्लेसमेंट करते हैं आफ्टर से 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स में 4 लाख का डिडक्शन लग गया, तो 10 लाख का डिडक्शन माइनस कर देंगे तो 10 लाख का डिडक्शन 4 ईयर में कितना होगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 × 4, तो 4 लाख आ जाएगा। तो बुक वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी एट द एंड ऑफ द 4 ईयर आफ्टर, मतलब इनिशियल 5 ईयर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 लाख है। और हमने क्या किया, इसको अपने बेच दिए शोल्ड, 3 लाख में शोल्ड कर दिया, ठीक है। तो अब एंट्री क्या होगी, देखिए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए आया, टू फिक्स एसेट, ये 6 लाख का एसेट गया मेरा, ठीक है, आफ्टर डिडक्शन बुक वैल्यू की बात कर रहा, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो आएगा डी रिकॉग्निशन लॉस, या फिर लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन, ये 3 लाख। तो आप इसको रिप्लेस करके फिर नया एसेट लेते आओ जैसा ही आपको चाहो, जैसे कि फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये नया एसेट जैसे आता हो तो वैसे आएगा ही। आपने क्या किया, एक पूरी फैक्ट्री है आपके पास, आपने एक एसेट को रिप्लेस कर दिया तो उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तो डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा हमारा इंडियंस बोलता है, तो उसके लिए आपको कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो जब आप रिप्लेस करोगे, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है एक दो, हम लोग जब क्वेश्चन आंसर की सीरीज करेंगे तो उसके ऊपर और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बहुत इजी है, सिंपल सा बात आप समझो कि आपके पास जो भी एसेट है उसको डिडक्शन करके जब शोल्ड करोगे, अगर कम वैल्यू पे है तो लॉस आएगा, अगर ज़्यादा वैल्यू पे शोल्ड करोगे तो गेन आएगा, तो उसको लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन या गेन ऑन डी रिकॉग्निशन की तरह रिकॉर्ड करोगे और पीएल में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। बस ये रहा आपका कॉन्सेप्ट कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग का, डी रिकॉग्निशन का। अब क्या बोले हो, आगे बढ़े कि क्वेश्चन करा दे? हमको जहां तक लगता है कि क्वेश्चन हमें एक साथ करना चाहिए, सारा के सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे तो इजी रहेगा। चलिए अभी पढ़ते हैं रिकॉग्निशन का कुछ फॉर्मूला, ठीक है, कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम रिकॉग्निशन का। रेडी? तो चलिए बड़ी टॉपिक की तरफ चलते हैं और एक लाइन यहां पर डाल देते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्निशन कैसे होगा। तो पहला लाइन समझिए कि पीपी जो रिकॉर्ड होगा विल बी रिकॉर्डेड इनिशियली एट कॉस्ट। जब पहली बार कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जब आप एक्वायर करते हो या परचेज करते हो या फिर किसी से रिप्लेस कराते हो, तो उसको हम लोग किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे, जो आपको लगा है, नॉट द फेयर वैल्यू, आई रिपीट, कॉस्ट। तो उसको कॉस्ट को कैसे निकालेंगे, कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो चलिए देखते हैं कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो कॉस्ट ऑफ
पीपीई। हाँ तो इसमें आएगा परचेस प्राइस, डेफिनेटली आना चाहिए परचेस प्राइस। इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट माइनस हो जाएगा रिबेट। ठीक है, अब इसमें ऐड क्या क्या होगा, पहला इंपोर्ट ड्यूटीज, बिल्कुल अगर बाहर से आप प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा, ये भी आपका तो एक तरीके से कॉस्ट ही पड़ा ना उस एसेट को मंगाने के लिए। प्लस जीएसटी और अदर टैक्सेस। इसमें एक कंडीशन है, जहां पे क्रेडिट अवेलेबल ना हो, वेयर क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। आई होप आपको पता है क्रेडिट अवेलेबल का मतलब क्या है। क्रेडिट मतलब जब भी आप कोई टैक्स पे करते हो तो जब आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हो तब तो ऐड नहीं होगा, जब आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेते हो तो उसको बोलते हैं क्रेडिट नॉट अवेलेबल, इसीलिए उसको ऐड करेंगे क्योंकि आप उसका क्रेडिट नहीं ले रहे हो। एक कॉस्ट जो है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो कि इनकर्ड हो रहा है ऑन पीपीई, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इनकर्ड कहां हो रहा है, पीपीई पे, टू ब्रिंग इट टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। और इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं LCIM, लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। बोलो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इंकर्ड जो हो रहा है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो इंकर्ड होता है कि भाई आपको यहाँ पे फिक्स करना है या वहाँ पे फिक्स करना है। सपोज कर इसमें इंस्टॉलेशन का खर्चा हो गया, टेस्टिंग का खर्चा हो गया, सैम्पलिंग का खर्चा हो गया, तो ये कॉस्ट इसमें आएगा जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। ठीक है, एक चीज माइनस भी कर देते हैं, जैसे कि कोई इनकम आप कमाते हो, इनकम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन स्क्रैप, इनकम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन स्क्रैप। सपोज करिए आप कोई एक बिल्डिंग बना रहे हो, यहां पे बिल्डिंग जब बनाते हो तो वहां पे आप कंस्ट्रक्शन करते हो, या फिर सपोज करो प्लेस जो स्पेस है उसको दे दिए पार्किंग के लिए, तो पार्किंग से आपको एक इनकम भी आ रही है, तो क्या वो इनकम लेस होगा? जी हाँ वो लेस हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना है अभी, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, रेस्टोरेशन एंड अदर लायबिलिटी। ये तो नई बात है, इसको बोलते हैं पी ड्रॉल, प्रोविजन फॉर ड्रॉल। अब ये क्या होता है ड्रॉल, डीकमिशनिंग, ठीक है डबल एम रहेगा, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग रेस्टोरेशन एंड अदर लायबिलिटी। जब कोई भी आप एसेट लीज पे लिए सपोज करिए, या फिर कोई रेंट पे लिए आप यूज कर रहे हो 10 साल 5 साल, तो एक क्लॉज होता है कि आपको वो चीज एज इट इज आपको छोड़ के जानी होगी। जैसे कि आपका जो भी मालिक है वो बोला कि भाई देखो मेरा घर तो नॉर्मल है, तुम यहाँ पे आए, यहाँ पे अपने
सेटअप तैयार किए, स्टूडियो बनाए, पढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, टेबल बेंच लगा रहे हो, कील ठोक रहे हो दीवार में, लेकिन जब भी आप एक चीज़ छोड़कर जाओगे तो उस केस में आपको सारी की सारी चीज़ें जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ वैसे आपको करके जाना है। तो उसको बोलते हैं डीकमिशनिंग, रेस्टोरेशन है ना, और भी ऐसी कोई लैबिलिटी जो है। ठीक है, और मतलब ये आपको बनाना पड़ेगा। ये आपका खर्चा कब होगा? फ्यूचर में खर्चा होगा, लेकिन इसको आपको रिकॉर्ड कब करना है? प्रोविजन फॉर ड्रॉल जो है, शुड बी रिकॉर्डेड एट इनिशियल एस्टिमेट। अब इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे देखिए आप तो यहां पे लिए, खर्चा यहां पे होगा, तो ये फ्यूचर में आप यहीं पे आप एस्टिमेट एक लगाते हो कि फ्यूचर में यहां पे खर्चा होगा। तो अब इसका वैल्यू यहां पे निकाला जाएगा कि इतना कितना हो रहा है फ्यूचर वैल्यू, वहां पे कितना खर्चा हो सकता है। ठीक है, फिर उसको इनिशियल कॉस्ट पे निकाला जाएगा। इसके ऊपर अपने बात करेंगे अभी, प्रोविजन फॉर ड्रॉल। अभी ये पूरा समझ लीजिए। फिर बात आती है, पेन चेंज हो गया मेरा, बोरोइंग कॉस्ट की। बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो आएगी आपकी क्या, कॉस्ट ऑफ पीपीई। तो कॉस्ट ऑफ पीपीई का ये रहा आपका फॉर्मूला जो स्टार्ट होगा यहां से, परचेस प्राइस लेस डिस्काउंट लेस रिबेट प्लस इंपोर्ट ड्यूटी प्लस टैक्सेस इफ द क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल प्लस डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट इनकर्ड ऑन पीपीई टू ब्रिंग इट टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट लेस इनकम इफ एनी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन स्क्रैप। कंस्ट्रक्शन किया, उसका जो स्क्रैप है वो भी बेच दिया, फिर कोई वहां पे आप कोई और इनकम कमाते हो कंस्ट्रक्शन साइट पे, जस्ट लाइक पार्किंग वॉकिंग। प्लस प्रोविजन फॉर ड्रॉल, प्रोविजन फॉर ड्रॉल, ड्रॉल स्टैंड्स फॉर डिकमिशनिंग रेस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटीज। सो इसके लिए आपने कोई प्रोविजन बनाया, दैट शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। प्लस बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, बोरिंग कॉस्ट इंडेक्स 23 वी विल स्टडी। बोरिंग कॉस्ट जो भी आपने कोई लोन लिया है उसके ऊपर का जो खर्चा है, जो बोरो करने का खर्चा, बोरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट हुआ, तो उसको भी हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। अब आपसे हम बात करते हैं जैसे कि आपको क्या क्या चीज़ें, जैसे ये परचेस प्राइस लेस डिस्काउंट रेस डिबेट तो पता ही है, इंपोर्ट ड्यूटी पता है, जीएसटी पता है, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट जो कंपनी को लगता है कि इंस्टॉलेशन का टेस्टिंग का खर्चा, वो सारा चीज़ तो पता ही है आपको। इनकम अगर कोई आया इफ एनी, प्रोविजन फॉर ड्रॉल आपको नहीं पता, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि भाई ये कैसे कैलकुलेट होगा प्रोविजन फॉर ड्रॉल। नाउ क्वेश्चन इज How we will calculate provision for drawal, decommissioning, restoration of the liabilities। तो इसमें कुछ स्टेप्स है, आप देखिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे करंट एस्टिमेट। पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे करंट एस्टिमेट कि भाई आज के डेट में क्या है ड्रॉल का करंट एस्टिमेट आज के डेट में। ये सपोज करिए यहाँ पे हम लोग लीज छोड़ने वाले, तो यहाँ पे आज के डेट में क्या है करंट एस्टिमेट। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर एस्टिमेटेड, फ्यूचर एस्टिमेट बेस्ड ऑन करंट एस्टिमेट।
अप्लाई करेंगे इसमें इन्फ्लेशन फैक्टर। अभी मैं बताता हूँ। अब इसमें हमने पहली बार तो कॉस्ट को सपोज करिए मैंने 100 रुपया या फिर 10 करोड़ का सपोज करिए मैंने खर्चा मांग लिया। अब इसमें क्या है कि हर साल 5% या 10% का इन्फ्लेशन है, से 5%, ठीक है। तो इसमें 5% ऐड करते 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 हम लोग कहाँ आ जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे, सपोज करिए 12 या 13 के आसपास आएगा। तो अभी हमने 10 करोड़ से इन्फ्लेशन फैक्टर को लेते हुए फ्यूचर के कॉस्ट को एस्टिमेट कर लिया, फ्यूचर में उसका क्या कॉस्ट होगा। फिर क्या करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एस्टिमेट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर एस्टिमेट, दिस इज कॉल्ड इनिशियल एस्टिमेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ अच्छे से। तो ड्रॉल कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, इनिशियल एस्टिमेट पे रिकॉर्ड होगा। तो इनिशियल एस्टिमेट क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। ये है आपका 2005 और ये मान लीजिए 2050 है जहाँ पे आपका लीज आउट होगा। आपने 100 रुपीज का अभी आपको प्रेजेंट एस्टिमेट आपका किया PE, ठीक है, या फिर CE करंट एस्टिमेट आपने किया। हर साल इन्फ्लेशन है 5% कुछ भी, जैसे कि अब 100 प्लस 5% मतलब 100 प्लस 5% फिर उसमें प्लस 5% करते रहेंगे। तो यहाँ पे सपोज करिए 125 या 123 सपोज करिए कि वहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। मैं एक एस्टिमेट ले रहा हूँ तो इसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर एस्टिमेट। मैंने आज के दिन में सब नॉर्मल है ना, आज अगर मैं सोच रहा हूँ 100 रुपया खर्चा हो रहा है तो क्या आने वाले 25-50 साल बाद क्या वही खर्चा होगा? जी नहीं, उतना ही खर्चा नहीं होगा, ज़्यादा होगा। तो उसके में क्या होता है, इन्फ्लेशन फैक्टर। तो इसको हमने क्या किया, करंट एस्टिमेट को फ्यूचर एस्टिमेट पे ले गए आफ्टर अप्लाइंग इन्फ्लेशन फैक्टर। अब सपोज करिए आ गया 123। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे अपने डिस्काउंट, प्रेजेंट वैल्यू इसका निकालेंगे PV। तो प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालने आता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे उसका। तो ये आ जाएगा अपना जो भी आ जाए, जैसे यहाँ पे 100 रुपया तो 90-100 के आसपास आएगा। सपोज करिए 10% पे या 5% पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा आपका इनिशियल एस्टिमेट। तो इसका जब आप PV निकालेंगे तो इसको बोलते हैं इनिशियल, ये रहा इनिशियल एस्टिमेट। समझ में आ गया इनिशियल एस्टिमेट क्या होगा? अगर आपको फ्यूचर एस्टिमेट दे दिया तो आप डायरेक्ट PE आप निकाल लोगे, PV से डायरेक्ट निकालोगे इनिशियल एस्टिमेट। अगर आपको ये दिया हुआ है प्रेजेंट एस्टिमेट तो आपको पहले फ्यूचर एस्टिमेट निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इनिशियल एस्टिमेट निकालना पड़ेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे डिटेल। चलिए हमने बात किया था बोरोइंग कॉस्ट का। तो बोरोइंग कॉस्ट कहां से कैलकुलेट होगा, ये एज पर इंडियस 23 जब पढ़ेंगे तो वहां पे हमें पता चलेगा कि बोरोइंग कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस कॉस्ट को अपने कॉस्ट ऑफ PPE में ऐड करेंगे, अपने से कोई बोरोइंग कॉस्ट ऐसे नहीं लेंगे। कोई इनकम है उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे है, जो हमने बात की थी अभी, इनकम ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। जैसे आपने कोई प्लेस पार्किंग के लिए दे दिया,
ठीक है, या फिर आपने स्क्रैप जो बेच दिया उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पीएनएल में, यहाँ पे वो कॉस्ट इंकर्ड में नहीं आएगा, वो पीएल का मान लीजिए दैट इज एन एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस भी हो सकता है इनकम भी हो सकता है। एक चीज़ आपको समझनी होगी यहाँ पे, एक चीज़ और नोटिंग में करवा देता हूँ, इंटरनल प्रॉफिट शुड बी एलिमिनेटेड। अभी इंटरनल प्रॉफिट क्या है, सपोज करिए आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में क्या किया दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ पीपी या ये वाला डिपार्टमेंट बना रहा था तो उसको कुछ पार्ट चाहिए थे जो यहाँ पे अवेलेबल थे, सपोज करिए ये मैन्युफैक्चर करता वही चीज़, तो उसने क्या किया आपको 100 रुपीज़ का था तो 120 पे बेच दिया, 20 रुपीज़ प्रॉफिट कमा लिया, ये इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट बोलते हैं इसको। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो आपने घर में ही अपना माल बेचा है भेजा है, ठीक है, तो ये 20 रुपीज़ शुड बी एलिमिनेटेड, ठीक है, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो फिर सारा चीज़ देखिए तो कॉस्ट ऑफ पीपी को इंक्रीज कर लेंगे आप, विंडो ड्रेसिंग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है दैट विल बी इंक्लूडेड, अगर डिपार्टमेंट आपका दूर है वहाँ से आने में जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा दैट इज़ द कॉस्ट, बट अगर ये 100 रुपीज़ प्लस सपोज करिए 5 रुपया कंस्ट्रक्शन है तो 105 पे तो आप ला लोगे, लेकिन अगर आप उसमें 15-20 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हो तो उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, नहीं तो कॉस्ट ऑफ पीपीई को ट्रू एंड फेयर भी हम लोग नहीं दिखा पाएंगे, तो इंटरनल प्रॉफिट शुड बी एलिमिनेटेड, ठीक है। आपसे हमने बात की थी LCIM की, लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, लोकेशन ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट पोजिशन, ये वाला एक कॉस्ट हमने आपको इंकर्ड कराया था ये LCIM का, डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल कॉस्ट इंटेंड इंकर्ड ऑन पीपी टू ब्रिंग इट टू प्रेजेंट, प्रेजेंट सिचुएशन में ले आने के लिए, और लोकेशन प्रेजेंट लोकेशन, प्रेजेंट लोकेशन होगा, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड बाई मैनेजमेंट, तो प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन एंड इंटेंडेड बाई मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें वॉट आर द कॉस्ट विच आर इंक्लूडेड इन LCIM। पहला कुछ हम बताते हैं इसमें, जैसे कि साइट प्रिपरेशन, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, ठीक है, साइट का प्रिपरेशन कॉस्ट इसमें आएगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट जैसे मैंने पहले भी बोला था इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, एम्प्लॉय का जो भी खर्चा है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ये एम्प्लॉय का कॉस्ट है जो इंकर्ड हुआ है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग का कॉस्ट, कोई आप इंस्पेक्शन कर रहे हो टेस्टिंग कर रहे हो तो उसका खर्चा आएगा। ये LCIM में क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड होते हैं हम उनका बात कर रहे हैं, कोई ओवरहेड ऑन कंस्ट्रक्शन वो आएगा, ये डेफिनेटली आएगा, कोई प्रोफेशनल एक्सपेंस हुआ है आपका, लॉयर हुआ या फिर कोई और हुआ उसको आप बुलाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, इंकर्ड ऑन एक्विजिशन और एंड कंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने बोला लॉयर का फीस हुआ, उसको एक्वायर करने में लॉयर की फीस लगी तो वो सारी चीज़ें भी LCIM में आएंगी, प्रेजेंट सिचुएशन में उसको लाने के लिए तो वो लोग लगे ही ना। कल्टीवेशन एक्सपेंसेस, फॉर बियरर प्लांट्स,
प्लांट्स के केस में कल्टीवेशन, कटाई बुनाई जो होती है पौधों की, वो भी खर्चा इसमें आएगा, ठीक है। ऑल दो इतना रेलेवेंट नहीं है कि अपने ऊपर, प्लांट्स के ऊपर क्वेश्चंस रेयरली नहीं है, समझिए। तो साइट प्रिपरेशन का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा, एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग कॉस्ट, ओवरहेड ऑन कंस्ट्रक्शन, प्रोफेशनल एक्सपेंस इनकर्ड ऑन एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन एंड कल्टिवेशन एक्सपेंसेस, बेसिकली दीज आर द एक्सपेंसेस जो आपके साइट को प्रेजेंट सिचुएशन और लोकेशन में प्रॉपरली लाते हैं, और वो मैनेजमेंट द्वारा इंटेंडेड रहते हैं। सो दीज आर द कॉस्ट, पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पीपीई बेसिकली, वेदर इट इज एलसीएम और एनीथिंग, बट आप ये समझ लीजिए कि दिस इज द पार्ट, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग कॉस्ट, ओवरहेड ऑन कंस्ट्रक्शन, प्रोफेशनल फीस जो है कल्टीवेशन, आपको देख के भी लगेगा, मतलब आप देखोगे तो समझ में आ जाओगे कि हाँ भाई ये तो कॉस्ट जो लग रहे हो पीपी के ही है, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो एलसीएम में नहीं आएंगे, तो आप यहां पे एक नोट देख लो। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं, एक्सपेंसेस जो कि इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, सिंस दे आर नॉट डायरेक्टली, दे आर नॉट डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल। इसमें एक वर्ड था जो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल रहेगा ऑन एलसीएम, वही आएगा। अब जो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल नहीं है वो तो एकदम नहीं आएगा, तो अब वो क्या क्या डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल नहीं है, डायरेक्टली उस पीपी से रिलेटेड नहीं है। सो एलसीएम में क्या इंक्लूडेड है, क्या नॉट इंक्लूडेड है, वो बेसिकली बात हो रही है। हमारे कॉस्ट में एक टर्म लिखा हुआ है, द एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल, ठीक है। तो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल का हमने बात किया, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल नहीं है उनके ऊपर बात करते हैं। तो उसमें जैसे कि स्टार्टिंग एक्सपेंस, ओपनिंग एक्सपेंस, ये सारा चीज, स्टार्टिंग, ओपनिंग, या फिर इसको क्या बोलेंगे, पूजा का कोई खर्चा हुआ, पूजा एक्सपेंस, तो ये सारे खर्चे नहीं आएंगे। एक एक करके आप लोग देखते हैं, एलोकेटेड ओवरहेड, ये भी नहीं आएगा। एलोकेटेड ओवरहेड मतलब आपका ऑफिस का वर्कर वहां पे जाके काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को आप एलोकेट करते हो उसमें कि भाई यहाँ पे भी थोड़ा वो लगा है, ये लगा है, तो वो नहीं आएगा। स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग दे रहे हो तो ये कॉस्ट ऑफ पीपी नहीं होगा, ऑल द स्टाफ ट्रेन करा के आप वहां पे काम कर रहे हो, बट स्टाफ इज योर एसेट नॉट ऑफ द कंपनी। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, कोई एबनॉर्मल चीज़ हो गई, बारिश आ गई, आपका सीमेंट खराब हो गया, तो उस खराबी का खर्चा कॉस्ट में इंकर्ड नहीं, मतलब कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। ऐसा नहीं कि तूफान आ गया, टूट गया, तो आप क्या करोगे, उसके कॉस्ट में इंकर्ड कर दोगे। ऑपरेटिंग लॉसेस, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, आपके ऑपरेशन मतलब उसको कंस्ट्रक्ट करने में कुछ लॉस हुआ है, तो उस लॉस को आप कॉस्ट में इंकर्ड करना डेफिनेटली नहीं करोगे, लॉस तो लॉस में ही रहेगा। और रीलोकेशन शिफ्टिंग एक्सपेंसेस, कोई भी चीज आपको रीलोकेट करनी है, सपोज करे सीमेंट की, सीमेंट जहां पे आपका रखा हुआ है उसको आपको कहीं और लेके जाना है, शिफ्ट करना है, तो उसमें कुछ खर्चा है, तो उस खर्चे को आप कॉस्ट में इंकर्ड नहीं करोगे। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग ओपनिंग पूजा एक्सपेंस, मुहूर्त वहूर्त का एक्सपेंस है, वो सारी चीज नहीं आएगा। एलोकेटेड ओवरहेड, जैसे कि ऑफिस का बंदा आपके वहाँ पे भी आके काम करता है, तो ऑफिस वाले बोला हम कुछ खर्चा एलोकेट कर देंगे, तो वो नहीं होगा, वो ऑफिस का एक्सपेंस है, ऑफिस में ही रहेगा, इला ऑफिस का स्टाफ है। स्टाफ ब्रीफिंग, स्टाफ ट्रेनिंग, एब नॉर्मल एक्सपेंस, ऑपरेटिंग लॉस और रीलोकेशन एक्सपेंस। तो कॉस्ट ऑफ पीपी में क्या आएगा, परचेस प्राइस लेस डिस्काउंट लेस रिबेट प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, जीएसटी अदर टैक्सेस अगर इसमें कोई क्रेडिट अवेलेबल ना हो, ये तो सारी चीजें नॉर्मल थी। अब आता है डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट इंकर्ड ऑन पीपी,
टू ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड फॉर इंटेंडेड बाई मैनेजमेंट। अब एलसीएम में क्या इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा उसके ऊपर डिटेल अपने नीचे बताएंगे, बता चुके हैं। इनकम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन स्क्रैप, कोई कंस्ट्रक्शन का स्क्रैप बचा उससे आप इनकम कोई कमाते हो तो वो आपको लिस्ट करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डीकमीशन रेस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटीज, उसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हमने नीचे आपको बता दिया। अब ये होता क्या डीकमीशनिंग रेस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटी, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आप जब भी कोई चीज़ लीज पे लेते हो तो जो आप वहाँ पे कोई चीज़ करके जाते हो, जो आपका देने वाला लेसी है वो बोलता है कि भाई आप जब जाओगे जिसको ऐसे छोड़ के जाना जैसा अभी है, आप उसको खराब करके नहीं जाओगे, तो उसमें कुछ खर्चा होगा, तो उस खर्चे के लिए आप एक प्रोविजन बनाते हो, तो उस प्रोविजन को बोलते हैं प्रोविजन फॉर ड्रॉ। बोरोइंग कॉस्ट इंकर्ड, बोरोइंग कॉस्ट जो आप लोन लेके कोई भी चीज़ कैपिटलाइज लोन लेते हो उसके ऊपर जो खर्चा इंकर्ड होता है दैट इज कॉल्ड बोरोइंग कॉस्ट। तो उसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे एज पर इंडियस 23। तो हाउ विल कैलकुलेट द ड्रॉ, जो हमने बताया कि भैया पहले करंट एस्टिमेट लो फिर फ्यूचर एस्टिमेट, करंट से मतलब इन्फ्लेशन लगा के उसको फ्यूचर में ले जाओ, आज का वैल्यू इन्फ्लेशन लगाओ फ्यूचर में जाओ, फ्यूचर का वैल्यू निकाल के फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालो। दिस इज द प्रोसेस, आपको लगे हाँ कितना अजीब है बट दिस इज व्हाट द प्रोसेस, करंट से फ्यूचर, फ्यूचर से पीबी, ठीक है, यहाँ से फ्यूचर, फ्यूचर से पीबी। अगर ये दिया है तो डायरेक्ट पीबी निकाल लो, अगर ये दिया तो ऐसे ऐसे करके निकाल। बोरिंग कॉस्ट इंडियस के हिसाब से कोई इनकम कंस्ट्रक्शन साइट से होता है तो उसको आपको पीएल में चार्ज करना पड़ेगा। इंटरनल प्रॉफिट शुड बी एलिमिनेटेड, इंटरनल प्रॉफिट अगर कुछ भी है तो कॉस्ट में नहीं आना चाहिए, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से प्रॉफिट कमाएगा ये नहीं हो सकता। एलसीएम में क्या क्या इंक्लूड होगा, वही होगा जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, जैसे साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग कॉस्ट, ओवरहेड ऑन कंस्ट्रक्शन, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एक्विजिशन एंड कंज्यूमशन, कल्टीवेशन एक्सपेंस प्लांट के केस में। अब कुछ जो चीज़ नहीं होगी बिकॉज दीज आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ऑन एलसीएम, पहला स्टार्टिंग एक्सपेंसेस, ओपनिंग, पूजा एक्सपेंस, एलोकेटेड ओवरहेड, ऑफिस का बंदा यहाँ पे भी काम कर रहा है तो उसका एलोकेशन ओवरहेड नहीं होगा, स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं इंक्लूड होगी कॉस्ट में, अब नॉर्मल एक्सपेंस कुछ हो गया वो भी इंक्लूड नहीं होगा, ऑपरेटिंग लॉसेस तो बिल्कुल नहीं होगा, रिलोकेशन शिफ्टिंग एक्सपेंसेस भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये रही कहानी आपकी कॉस्ट की। हालांकि इसमें एक चीज़ और है जो आपको समझनी पड़ेगी और वो है अमेंडमेंट, बहुत दिन हो गया बट एक चीज़ ये भी इंक्लूड होगी कि एक्सक्लूड होगी आपको डाउट रहेगा, एंड दैट इज व्हाट गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स अगर आपको मिला है तो क्या वो कॉस्ट में आएगा या नहीं आएगा, तो दिस विल नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट। पहले इंक्लूड होता था, अभी क्या है इसको कॉस्ट से डिडक्ट कर देते हैं। ये अमेंडमेंट कब आया है, बहुत दिन हो गया। पहले इट वॉज नॉट अलाउड टू डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट को आपको कॉस्ट से एलिमिनेट करने के लिए, मतलब डिडक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अभी ये गवर्नमेंट ग्रांट्स को आप डिडक्ट कर सकते हैं। तो बस यही है, गवर्नमेंट ग्रांट कौन सा इंडेक्स में, ये इंडेक्स 20 में है जहाँ पे अपने पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो इंडेक्स 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स अब बोलता है कि आप यू कैन डिडक्ट वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट और अर्लियर इट वाज नॉट। तो ये रही पूरी कहानी आपकी एलोकेशन कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग की, कंपोनेंट रिप्लेसमेंट की, जिसमें हमने बात की कंपोनेंट रिप्लेसमेंट में हमने कंपोनेंट रिप्लेसमेंट में हमने बात की थी डीरिकॉग्निशन की, डीरिकॉग्निशन से पहले हमने बात की थी इंडिविजुअल इनिशियली कैसे कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे, हर चीज़ का अलग अलग कॉस्ट रिकॉर्डिंग करते हैं अपने, तो उसी के साथ साथ हमने बात कर ली आज रिकॉग्निशन ऑफ पीपी, रिकॉग्निशन कैसे होगा इनिशियली एट कॉस्ट होगा, तो कॉस्ट ऑफ पीपी कैसे निकलेगा, ये रहा फॉर्मूला पीपी का निकालने के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस भी कर लिया। और इसके ऊपर क्वेश्चंस तो अपने क्यू एन ए जब सीरीज स्टार्ट होगा, मतलब कि इसका क्वेश्चन एंड आंसर डायरेक्टली फ्रॉम स्टडी मटेरियल जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें बात करेंगे इसके ऊपर। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और एक बात याद रखिएगा कि आप हैं तो हमारी हैसियत है। शुक्रिया।
We'll be right back.